एसोसिएशन है, इसमें आईवोडा से हमारे साथ बहुत सारे सेक्टर्स से लोग एसोसिएट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी एसोसिएशन फॉर्म हो चुकी है मुंबई, नवी मुंबई, केरला, नागपुर, तो और हमारे और इसमें चल रहे हैं बाकी सेक्टर्स में भी। तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है सारे फैशन इंडस्ट्री के लिए, फैशन फोटोग्राफर्स और हमारे डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एक रूप में आकर के सब लोग अपने बिजनेस ग्रोथ को उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक्चुअली मैं इस इंडस्ट्री में तो 28 से ही हूँ। मॉडल्स लोगों के लिए तो वो लोग पूछ रहे हैं आगे से हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एंड ऑर्गेनाइजर्स वो अच्छी तरह से प्रॉफिटली ये ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, तो सबके सपोर्टिंग करने के लिए तो है ये मोबाइल एप्लीकेशन, हमने ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि पूरी की पूरी इंडिया का शोज का डिटेल्स एंड कुछ प्रोग्राम्स के फैशन रिलेटेड सबका डिटेल्स इस मोबाइल एप्लीकेशन में दिख पाए, और सारी मॉडल्स या सब लोग के कोरियोग्राफर्स और ऑर्गेनाइजर्स डिजाइनर सब लोगों का प्रोफाइल इसमें तो है, तो म्यूचुअली कनेक्शन बढ़ जाएगा, बिजनेस ग्रो हो जाएगा, एंड ऑल्सो डिजाइनर्स कैन सेल द कलेक्शन थ्रू दिस मोबाइल एप्लीकेशन, तो इसमें तो ई कॉमर्स सेक्टर भी है, तो ये फैशन इंडस्ट्री का सब कुछ सब सेक्टर को इंक्लूड कर ही हमने ये मोबाइल एप्लीकेशन मीन्स ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है सबके लिए, तो एनरोलमेंट हमने फ्री भी रखा है। सो आई कम फ्रॉम ए बैकग्राउंड जहाँ पे सपोर्ट की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इधर मेल कैरेक्टर्स और फीमेल कैरेक्टर्स बहुत होते हैं, बट एक ट्रांसजेंडर को एक मॉडल बनना या एक्टर बनना कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है आई अंडरस्टैंड ट्रूली। सो समबड़ी लाइक मी और मेरे जैसे और भी बहुत सारे एक्टर्स वो होना चाहते हैं या मॉडल्स होना चाहते हैं, उनके लिए इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्लेटफॉर्म पहली बात तो, बिकॉज वेन एवर यू रजिस्टर योरसेल्फ उनको पूछा नहीं जाएगा हु आर यू, है ना, कि आर यू मेल फीमेल और व्हाटएवर, यू कैन इनरोल योरसेल्फ, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, और फिर एक सपोर्ट है लाइक ही सेड फ्रॉम ओनर्स टू द यूजर्स, हर किसी से सपोर्ट है। एंड देन आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वी डोंट शो इंक्लूसिविटी इन एनीथिंग कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर ऑल दी ट्रांस मॉडल्स एंड सब मॉडल्स के लिए। न्यू कमर आता है, बहुत सारे लोग डालते हैं उनकी एजेंसी अच्छा है, उनकी एजेंसी अच्छा है, तो एजेंसी में आप पे भरोसा करें, मतलब कितना कुछ चार्ज में रखे थे, मतलब सेवा है वो ऐसे पूछ रहे हैं, इज देयर एनी चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन आर्टिस्ट का कुछ चार्ज है?
न्यू कमर जो आते हैं मुंबई में बहुत सारे प्रॉब्लम भी मिलते हैं आपके लोगों से, बहुत सारे मतलब बहुत बहुत उठ रखते हैं, कौन से जेन्यून है, कौन से मतलब कैसे आपको मतलब आपको कॉन्टेक्ट किया जाए? I don't want to talk about who is genuine, who is not, because right here we're talking about iModa. So let's focus on that, because here I think technical terms के लिए बाकी सब लोग इधर explain करेंगे, but I genuinely think it is a safe place, because why I am here right now. So उनको रेगुलेट करने के लिए ये ऐप है, इन्फॉर्मेशन फ्लो इस ऐप के थ्रू ट्रांसपेरेंसी देता हुआ करेगा कि कौन जेन्युइन है, क्या कर रहा है, तो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे जो जो अनजेन्युइन लोग हैं उनको क्या होगा, हम लोग ब्लॉक करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे. सो ये पूरा इन्फॉर्मेशन है. यदि मैं काफ़ी सालों से नवी मुंबई में एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, एज अ कॉरपोरेटर मैं वहाँ पर एज अ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कमेटी का चेयरमैन था, तब से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मेरा जुड़ा हुआ है, बहुत सारे इवेंट्स हमने साथ में किए हैं. इस टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे पहले हम बहुत सालों तक काम कर चुके हैं, और मुझे साथ में लेने का इनका जो मोटो है, इस जो एसोसिएशन है जो नया बन रहा है उसको स्ट्रेंथन किया जाए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, और स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप मिले, और आगे जाके ये इंडस्ट्री ये एसोसिएशन बड़ा हो, इसी मोटो से मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ. हाँ जिस तरह से सारी चीज़ें तो आपको बताई जा चुकी, ये एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे इंडिया को एक छत के नीचे ला सकते हैं. अब आप देखिए, मैं जैसे एज एन एक्टर में बात करूँ तो मुझे अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में वन बाय वन डे कर जाना पड़ता है. अगर मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ मेरी प्रोफाइल एक बार जाके ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो जाए, तो शायद ये इजी रहेगा मेरे को काम एक्सेस करने के लिए एज एन एक्टर. सेम मेकअप आर्टिस्ट हो गए या अपने फैशन फोटोग्राफर हो गए, कोरियोग्राफर्स हो गए, तो इट्स अ वेरी यूनिक कोई आइडिया कि ऐप है, आप डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें, आपके लायक आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड अच्छा काम मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी प्रॉपरली लीगलाइज, क्योंकि कोई भी ऐप गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ही हो रहा है या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो ये पेड ही होना चाहिए. वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी पेड भी हैं जो एक्टर्स के लिए या फैशन इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है. उनमें से ये भी थोड़ी सी यूनिक है कि इसने अपना स्पीड के पूरे इंडिया में फर्स्ट लॉन्चिंग में इतना काम कर रहे हैं, तो मेरे आईडी से ये सब सेफियर है. और जो हम क्वेश्चंस खड़ा करते हैं लड़कियों के लिए, क्या कैसे सेफ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपका काम करने का तरीका सही है तो सारी चीज़ें सही होंगी, है ना. अब मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करूँगा. हाँ, अगर ये मुझे चांस देंगे तो मैं इनके लिए मॉडलिंग करूँगा, और मैं अपना प्रोफाइल भी रेस्टोर करूँगा. नेचुरल है, ये ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिक लोगों के बीच में मैं भी ऑथेंटिक हूँ, ऑथेंटिक ही काम करूँगा. लेकिन मेरा मानना है कोई भी चीज़ जैसे आफ्टर कोरोना इतना चेंज आया पूरे इंडिया में, सब चीज़ें ऑनलाइन आ गई है, पोर्टल पर आ गई है, तो धीरे धीरे सब चीज़ें चेंजेस हो रही है ना. पहले हीरो होते थे पर आजकल सब्जेक्ट कंटेंट हीरो है. आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आया है. मेरे जैसे एक्टर्स को भी चांस मिल रहे हैं, तो ऐसे पोर्टल्स बल्कि हमको हेल्प करेंगे.
वो पोर्टल प्रॉपर चले, मेरी तो पूरी मतलब दुआएं हैं ऊपर वाले से, ईश्वर से ये मांगता हूँ कि बड़ा हो ये पोर्टल, अल्मोड़ा बहुत अच्छे लेवल पे जाए और मैं भी इसका पार्ट बना रहूँ फर्दर फ्यूचर जब तक मेरा जीवन है एज एन एक्टर काम करता रहूँ। और मैं तो कहूँगा सभी लोगों को एक बार इस पोर्टल पर आना चाहिए, इसकी अच्छाई बुराई अपने आप सामने आ जाएगी। मैं कहूँ कि टीटू जी ऐसे हैं, आप मिले कभी टीटू जी से? नहीं, पहले मिली है ना, सही तो पता चलेगा टीटू जी कैसे हैं। सेम पहले अल्मोड़ा को जानिए, उसमें अपने आप को रजिस्टर कीजिए, महीने दो महीने में पता चलेगा आपके लाइफ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इट्स वी क्लियर हो जाएगा ऑथेंटिक है कि नहीं है। हाँ जी, हम सबसे पहले तो मैंने डाउनलोड किया है, बाकी की गारंटी नहीं है, फैशन की दोनों गारंटी किसी की नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैंने मेरे पूरा ग्रुप है आर्टिस्टों का, उसमें सब ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ है और वो सब लोग जल्दी इसको डाउनलोड करेंगे और देखेंगे इसके रिजल्ट्स, मैं भी देखूंगा। इवन मैं नहीं कह रहा कि मुझे इन्होंने बुलाया आज एक गेस्ट तो मैं इनकी तारीफ करूँ, एक महीने दो महीने में सब पता चल जाएगा तो हम इनके अच्छा काम करेंगे तो हम और पुश करेंगे, बल्कि अच्छा करेंगे ना। मैं भी जुड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं सोचता हूँ उस ऐप के लिए कि कुछ अच्छा हो, मेरे जो नए अपकमिंग जो नए बच्चे आ रहे हैं इंडस्ट्री में, वो एक एक ऑफिस में जिनको एड्रेस ही नहीं पता, चलो आजकल तो ऑनलाइन सबके इंस्टा पेजेस है, फेसबुक पेजेस है, आफ्टर दैट भी कई ऐसे ऑफिस है जहाँ उनका कुछ नहीं है, तो अल्मोड़ा के थ्रू उनकी प्रोफाइल दूर तक जाएगी, इंडिया के हर कोने में जाएगी। करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा, अगर आप ऑर्गेनाइजर हो तो ऐसा
ऑर्गेनाइजर आपको अनुरोध करना पड़ेगा, अगर आप मॉडल हो तो ऐसा मॉडल अनुरोध करना पड़ेगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर स्टेप्स है, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड उसके बाद जो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अगर आप ऑर्गेनाइजर हो तो आप अपकमिंग प्रोजेक्ट उसे आप अपना अपलोड कर सकते हो एज अ वीडियो, वो ताकि वहाँ पे ऐप खुलने के साथ वो वीडियो फ्लैश होगा। और अगर कोई मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन फोटोग्राफर्स, कोरियोग्राफर्स को रिक्वायरमेंट है आपकी इवेंट से, तो डायरेक्ट आपको कॉन्टेक्ट करेंगे थ्रू दिस ऐप, करेक्ट। और सेकेंड थिंग है कि लाइक डिजाइनर्स के लिए मैं बोलूँगी ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। बिकॉज डिजाइनर्स क्या होता है, इवेंट पे, फैशन शोज पे अपना डिजाइन शोकेस करने के बाद उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है कि उन ड्रेस का, उन कॉस्ट्यूम्स का करें क्या। तो ये है आपको एक जैसे कि रीसेलिंग बाय, वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। एक डिजाइनर अपने आपको एनरोल करने के बाद अपने पुरानी कलेक्शन, री यूज कलेक्शन सब इसमें अपलोड कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ ये ही बोलूंगी कि हाँ, ये सिर्फ फ्रॉडस्टर को ही सामने लेकर आएगा, ये बहुत चीजों में एक मोटी जरिया बनेगा। हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स बनाए हैं इसीलिए कि हम सब मिल करके इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें। इसलिए आज हमारे पास यहाँ नागपुर सेक्टर से, केरला सेक्टर से, मुंबई सेक्टर से, नवी मुंबई सेक्टर से लोग आए हैं यहाँ पर हमें सपोर्ट करने के लिए, आई लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो और हमारे और भी प्लानिंग्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में जाकर के, लाइक हमारा ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, 60-70% प्रोसेस रन हो चुका है, राजस्थान, बैंगलोर, मेरी कर्नाटका, केरला, सब फाउंडेशन चल रहा है। तो डेफिनेटली मैं सिर्फ आप मीडिया वाले हो, आप लोग इसको प्रमोट करो और एक अच्छे लेवल पर प्रमोट करो, बिकॉज आप लोग भी अच्छे से प्रमोट करोगे, आपके जो डाउट्स हैं हम यहाँ पे क्लियर करने के लिए बैठेंगे। और इसीलिए हमारे मुंबई सेक्टर से भी लोग आए हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें उनके माइंड में भी चल रही होगी कि व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इससे क्या बेनिफिट होगा। तो धीरे धीरे एक एसोसिएशन फॉर्म होगा ना, तो सबको सबका अथॉरिटी मिलेगा, सबको सबके बेनिफिट्स मिलेंगे। That's all. There should be more opportunities for aspiring models, upcoming makeup artists. So through association I can educate them by providing the programs on body image that works on the physical, psychological and social aspects, and to protect them the perfect image in future. Beauty, image transit, and I want to bring awareness on the importance of image transit, because most of them are not aware of this in India. And in session, I hope it charges a lot. So maybe not for many people can afford. So the main motto is that by involving in this association, I can give my side of service to the members of this association. That's why I'm with them.